जिनको भी रेड कलर की हाइलाइट्स पसंद है ना वो ये वीडियो जरूर देखना। हाय एवरीवन, मैं करने वाली हूँ आज हाइलाइट्स वेविंग एंड स्लाइसिंग टेक्निक से रेड कलर में। और रेड कलर की हाइलाइट्स के लिए आपको कितना टाइमिंग रखना है सब कुछ आज मैं डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। बहुत शॉर्ट वीडियो है लेकिन डिटेल होगी। तो पहले मैंने यहाँ पर लिया है मैट्रिक सो कलर का ट्यूब, और मैंने जो ट्यूब लिया है 8.28 है, मोका वॉयलेट ब्लॉन्ड। इसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ 3.16 यानी कि बर्गंडी कलर स्ट्रिक्स की 40 वॉल्यूम के साथ। और मिक्सिंग रेशियो जो है वो 1:1.5 आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्यूब मिक्स करके ऑलरेडी रख दिया है। और ये है मेरी क्लाइंट की हेयर, इस पर मैं पहले कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद मैं करूँगी हाइलाइट्स। तो इस तरह से मैं आज क्राउन सेक्शन में हाइलाइट कर रही हूँ, और ऊपर के सेक्शन को मैंने इस तरह से टाई कर दिया है, क्राउन सेक्शन है। टोटल कितने हाइलाइट्स करूँगी ये भी आपको दिखा दूँगी मैं। और उसके बाद हम इस तरह से वीव निकालेंगे टेलकम की मदद से। और ये जो मैंने पतला पतला सेक्शन निकाला है ना गाइस, इसी को हम वीविंग करना बोलते हैं, यानी कि वीव निकालना। और इस पे हम टेलकम की टेल की मदद से एल्युमिनियम फॉइल को फिक्स करेंगे, और बालों पे फिक्स करने के बाद हम एप्लीकेशन कर देंगे कलर का। यहाँ पे मैंने 8.28 मिलाया है, थोड़ा सा वॉयलेट कलर टिंच में है ये कलर। उसके साथ मैंने 3.16 मिलाया जो कि रेड कलर है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलाया था। और उसके साथ क्योंकि मुझे बहुत ही इंटेंस वाली रेड नहीं चाहिए, यहाँ पर वॉयलेट टिंच में थोड़ा सा हल्का रेड चाहिए इनको, इसीलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है। आपको अगर बहुत ही इंटेंस रेड चाहिए तो आप 0.6 या फ्लेम रेड जो आता है ना स्ट्रिक्स का वो यूज़ कर सकते हैं, 3.16 यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट वॉल्यूम 40 वॉल्यूम के साथ, या फिर आप प्री लाइटनिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको एल्युमिनियम फॉयल को अच्छे से रैप कर देना है, और फिर हम एक सेक्शन को इसके ऊपर छोड़ देंगे और फिर दूसरा सेक्शन निकालेंगे जिसमें से हम सिमिलर टेक्निक से वीव निकालेंगे। तो इस तरह से हम वीव निकालते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे मैं वीव निकाल रही हूँ। पतला पतला सेक्शन लेना है, बहुत बड़ा आपको सेक्शन नहीं लेना है, नहीं तो आपका ना बहुत पैची सा दिखेगा। तो इस तरह से मैंने सेक्शन निकाल लिया, और अगर आपको कहीं से भी लगता है ज़्यादा है आपके हेयर्स तो आप नीचे से उसे इस तरह से खींच सकते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कैसे मैं मतलब खींचती हूँ। अगर आपको कहीं पे भी ज़्यादा लग रहा है तो इस तरह से आप सेक्शन को थोड़ा छोटा कर सकते हो अपने वीव को। और उसके बाद सिमिलर टेक्निक है जैसे हम फॉयल लगाते हैं और फिर उस पर कलर लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत तो हेयर्स मतलब रूट से ना आपको थोड़ा सा छोड़ के ही लेना है। कभी भी हाइलाइट्स करें तो रूट से छोड़ के ही हाइलाइट आपको करना है, 1 इंच आप छोड़ के कीजिए तभी आपका हाइलाइट्स का लुक जो है ना वो अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे क्राउन सेक्शन में हाइलाइट्स किया है, आप चाहे तो पूरा ग्लोबल भी इसी तरह से कर सकते हैं। क्राउन सेक्शन पर लगाने के बाद आप एयर टू एयर सेक्शन पर लगाएंगे, और हमेशा हाइलाइट्स करते समय रूट से छोड़ के लगाना है। रेड कलर टाइम लेता है आने में, जनरली रेड कलर को 1 घंटा लग ही जाता है हाइलाइट्स आने में। तो इस तरह से मैंने फॉइल लगा दिया, और आपको बीच बीच में चेक करना है, इस तरह से मिक्सिंग भी करना है कलर का ताकि कलर जल्दी आ जाए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, मेहंदी वाला बाल है, डाई वाला बाल है, तो आपको ना थोड़ा सा आप हिट भी दे सकते हैं ड्रायर से, लेकिन अगर आप प्री लाइटनिंग कर रहे हो तो मत देना। अगर आप डायरेक्ट ट्यूब से लगा रहे हो तो आप दे सकते हैं। अगर प्री लाइटनिंग हो जाती है ना हेयर्स पे तो कलर जल्दी आता है, गोल्डन कलर जल्दी आ जाता है, ब्लॉन्ड आ जाता है जल्दी, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था। और 1 घंटा मैंने वेट किया, टोटल 7 फॉइल्स मैंने लगाया था, उसके बाद मैंने बाल को वॉश किया, मार्क्स लगाया, एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। देख सकते हैं आप इनके हेयर्स कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारा सा शेड आया था, बहुत प्रॉपर रेड आपने इन्हें नहीं चाहिए था, तो मैंने इस तरह का बहुत ही प्यारा सा रेड शेड इनको दिया। कटिंग भी आप देख सकते हैं प्रॉपर है, मैं इसकी शॉर्ट भी वीडियो डालूंगी कि मैंने कटिंग कैसे किया है, आप जरूर देखना। और इस तरह का हेयर कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो मेरे चैनल पर बहुत सारे, आप वहाँ से भी देख के सीख सकते हो। तो मैट्रिक सो कलर वॉयलेट मोका ब्लॉन्ड 8.28 के साथ मैंने जो 3.16 थोड़ा सा मिक्स किया है बर्गंडी टोन में स्ट्रिक्स की, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। और इस तरह से अगर आप भी करना चाहते हैं बहुत ही प्यारा सा रेड शेड मोका वॉयलेट कलर के साथ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं ये ट्यूब के साथ, और बहुत सुंदर सा कलर आया है, आप देख सकते हैं इनके हेयर्स पे। इस तरह के अच्छे से वीडियोज़ देखने के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के हाइलाइट्स मेरे चैनल पर बहुत सारे हैं, मेकअप की वीडियोज़ बहुत सारे, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते। उम्मीद करती हूँ कि आपको कैसे वॉयलेट रेड टिंच के साथ कलर करना है पसंद आई होगी ये वीडियो, जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर अच्छी लगी तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़।